कियामत के दिन खत्म हो जाएगा, हुएदा बन के निकलेंगे, हकीकत जिनकी मुश्किल थी तमाशा बन के निकलेंगे, जिसे कहते हैं बंदा, जिसे कहते हैं बंदा। नबी को आप क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी ने हमें क्या तालीम दी? अब्दुहू व रसूलु, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। कहते जिसे कहते हैं बंदा, कुल हु अल्लाह बन के निकलेंगे। कहो आज तुम नबी को बंदा समझ रहे हो, कियामत को ये नबी बंदा नहीं रहेगा, अल्लाह बन के निकलेगा। बजाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बंसरी हरदम, नबी करीम हरदम कहा करते थे इन्नी अब्दुहू, मैं अल्लाह का बंदा हूं। बजाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बंसरी हरदम, खुदा के आरश पे इन्नी अनल्लाह बन कर निकलेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कियामत के दिन जब अरश पे से नूर के पर्दे हटेंगे तो वहां पर अल्लाह नहीं होगा, बल्कि इन्नी अल्लाह बनकर निकलेंगे। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर अल्लाह की सूरत में सामने आएंगे। रसूलों के, नबियों के कियामत में हकूमत से वो मालिक बनकर निकलेंगे, वो मौला बनकर निकलेंगे। वही मालिक होंगे, वही मौला होंगे। बज़ाहिर आपको बंदा नजर आता है लेकिन हकीकत में वो बंदा नहीं है। सफा 156 पर यही हजरत फरमाते हैं, इसका नाम क्या है राइटर का? मोहम्मद यार फरीदी। मोहम्मद, पहला मोहम्मद इसका नाम, दूसरा मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। कहते गर मोहम्मद ने, इस मोहम्मद से मुराद किताब का राइटर, गर मोहम्मद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मान लिया, गर मौलवी मोहम्मद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मान लिया, फिर तो समझो मुसलमान है, दगाबाज नहीं। अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मानता है, अल्लाह मानता है, अल्लाह की सूरत इस जमीन पे आने वाला समझता है तो ये मुसलमान है, और अगर ये उसको खुदा को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं मानता, फिर ये मुसलमान नहीं है बल्कि ये दगाबाज है। सफा 166 पर कहते हैं, खराम नास में आया तो देखा और पहचाना, मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी खुदा मिठन की गलियों में। मिठन की गलियों में बाबा जी है ना, वो कहते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रूप में इसमें आए हैं, खुदा को हमने देखा है सदा मिठन की गलियों में। मिठन की गलियों में पीर बाबा नजर आता है, शेख और मुर्शिद नजर आता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि खुदा को हमने देखा है सदा मिठन की गलियों में, खुदा बेपर्दा जलवा नुमा मिठन की गलियों में, फरीद पाक की सूरत में बेसूरत का जलवा है, तू बेरंगी में आ सूरत मिटा मिठन की गलियों में। मिठन में, कोट मिठन में बाबा फरीद है ना, वो कहता है कि ये बाबा फरीद की शक्ल में हमने खुदा को हमने देखा है सदा मिठन की गलियों में। अहद अहमद है लेकिन मीम के पर्दे में आया, अहद अल्लाह, अहमद रसूलुल्लाह। कहता है अहद अहमद है मीम के पर्दे में आया, पहनकर या का पर्दा, पहनकर या का पर्दा, फरीद का पर्दा, वो मिठन की गलियों में वही जलवा जो फारा पे हुआ अहमद की सूरत में, इसी जलवे को फिर उरिया किया मिठन की गलियों में। पीर बाबा, बाबा फरीद भी अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह है, और हमारे जितने पीर हैं, बुजुर्ग हैं, वो नऊज़ु बिल्लाह सब अल्लाह ही की मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ शक्लें हैं। सफा 183 पर इसी किताब के कहता है, मोहम्मद दी सूरत है सूरत खुदा दी, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशित, मोहम्मद दी सूरत है सूरत खुदा दी, मेरे दिल तू नक्शा मिटा कोई नहीं सकता, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा से खुदा मानता हूँ, उनकी सूरत खुदा की सूरत है, ये नक्शा मेरे दिल के अंदर बस चुका है, इस नक्शे को अब कोई मिटा नहीं सकता। इल्लल्लज़ीना आमनू, कुरान हकीम की आयत पे लौटिए, जहन्नम से निजात पाने वाले, जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए पहली शर्त क्या है? अल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह पर ईमान लाए। ईमान अल्लाह के नाम का इकरार ईमान नहीं है, अल्लाह को तस्लीम करना ईमान नहीं है, अल्लाह को खालिक मालिक राजिक मानना ईमान नहीं है, बल्कि अल्लाह पर वैसे ईमान लाया जाए जैसे अल्लाह को मतलूब है। अल्लाह को कैसे मतलूब? अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला है, उसका कोई शरीक साजी साथी नहीं है, वो किसी की सूरतों में कोई उसकी सूरत में जमीन पे जलवा फरोज नहीं हुआ। फिर वो अपनी सिफात में यकता है, उसकी सिफात खास उसके लिए है जैसे उसकी शान के लायक है। लैसा कमिस्ली ही शै, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसकी आंखें हैं, कुरान में जिक्र आया, हमने मान लिया। कैसे है? जैसे उसकी शान के लायक है। उसके हाथ का जिक्र हदीस में आया, हमने मान लिया। कैसा है? जैसे उसकी शान के लायक है। उसके कदम का जिक्र आया, हमने मान लिया। कैसा है? जैसे उसकी शान के लिए लायक
है, उसकी उसकी पिंडली का जिक्र आया, मान लिया कैसी है, जैसे उसके शान के लायक है, जो सिफात अल्लाह की कुरान में आ गई या हदीस रसूल में आ गई, हम ना तो उसकी मखलूक के साथ तशबीह करते हैं, ना उसका इनकार करते हैं, ना उसकी तातील करते हैं, हम उसको वैसे मानते हैं जैसे उसकी शान के लायक है। और अल्लाह की सिफात में से एक सिफत ये भी है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान कहाँ है जी, अल्लाह कहाँ है, पूछिए किसे अल्लाह कहाँ है, कोई कहता है जी अल्लाह मेरे दिल में है, किसे पूछिए अल्लाह कहाँ, अल्लाह हर जगह है, जिधर देखो तू ही तू, इधर भी तू उधर भी तू, मस्जिद में तू मंदिर में तू मैखाने में तू, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, रहमान अपनी ज़ात के एतबार से अपने अरश पर है, अपनी कुदरत कंट्रोल इलम के एतबार से हर चीज को घेरे हुए, सियाह चींटी सियाह रात सियाह पहाड़ की जड़ में चलती है, मालिक अपने अरश पे होते हुए उसको देख भी रहा है, उसका रिजक दे भी रहा है, उसके पांव की धमक अपने अरश पे सुन भी रहा है। अल्लाह अपनी जात के एतबार से कहाँ है, अपने अरश पे है, उसकी कुदरत हकूमत कंट्रोल इलम हर चीज को घेरे हुए है, कोई चीज उससे खुफिया और पोशीदा नहीं है। दरख्त के पत्ते जमीन पे बाद में गिरते हैं, अल्लाह के इलम में पहले होते हैं, नया पत्ता बाद में उगता है, अल्लाह के इलम में पहले होता है, वो हर चीज को घेरे हुए, लेकिन उसकी जात हर जगह पे नहीं है, वो किसी के दिल में नहीं समाई हुई, वो रहमान अपने अरश पर है। कुरान हकीम के अंदर इसके कई दलाइल हैं, एक तो यही आयत अर्रहमान अल अर्श इस्तवा, दूसरी आयत अम अमिनतु मन फिस्समा, क्या तुम उससे निडर हो, मन फिस्समा जो कहाँ है, आसमान में है। रसूलुल्लाह सल्लम के पास एक सहाबी सैयदना मुआविया एक लौंडी को लेकर आए, कहा इसका इम्तहान लीजिए, मैं इसको आज़ाद करना चाहता हूँ। आपने पहला सवाल किया ऐन अल्लाह, ये सवाल किससे हुआ, लौंडी से, नुसरत फ़तेह अली खां से तो नहीं हुआ ना, अगर उससे होता और कहता हाथ में आए तो खुदा, हाथ में आए तो बुत, हाथ में ना आए तो खुदा, मंदिरों में जो बुत पड़े हैं ये भी खुदा है, जो हाथ में नहीं आता वो भी खुदा है, ये राम रहीम का चक्कर किया, मंदिरों में राम है मस्जिद में रहीम है, तू गोरख धंधा है, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, हर चीज में तू है। क्या हो तुम कौन हो क्या हो भला तुम कौन हो क्या हो मैं हैरान हूँ इस बात पर तुम कौन हो क्या हो हाथ आओ तो बुत हाथ ना आओ तो खुदा हो अकल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं छुपते नहीं हो सामने आते नहीं हो तुम जलवा दिखा के जलवा दिखाते नहीं हो तुम दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम हैरान हूँ मेरे दिल में समाए हो किस तरह हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम ये मोहब्बत हो हरम ये कलीसा हो दैर क्यों ये मोहब्बत हो हरम ये कलीसा हो दैर क्यों हर जाई हो जब ही तो बताते नहीं हो तुम एक गोरख धंधा हो तुम एक गोरख धंधा। आपने उस बकरी चराने वाली से पूछा ऐन अल्लाह अल्लाह कहां है उसने आसमान की तरफ इशारा किया मैं कौन हूं का उसका भेजा हुआ रसूल है का इसको आजाद कर दो ये मोमिना औरत है इसको आजाद कर दो नकल से भी जवाब मिल जाए ये तो हो गया कुरान हदीस का अकल से जवाब ले लीजिए अल्लाह कहाँ है अरश पे जो लोग ये कहते हैं अल्लाह हर जगह पे है उनकी भी अकल मानती है कि अल्लाह हर जगह पे नहीं है दलील अल्लाह से दुआ करते हुए हाथ कैसे उठाते हैं आप उठाइए ये आपके हाथ उठे हुए ठीक है जो कहते हैं अल्लाह हर जगह पे है उनके हाथ भी यूं ही उठते हैं ना हमारा अकीदा क्या है अल्लाह अपने अरश पे है हाथ कैसे उठे हुए हैं ऊपर की तरफ क्यों हमारी फितरत आवाज लगा रही इन खाली हाथों को भरने वाला अपने अरश पर है इन खाली हाथों को भरने वाला कहाँ है अरश पे है अगर ये अकीदा मान लिया जाए कि अल्लाह हर जगह पे है तो कभी कभार यूं भी मांग लेना चाहिए ना कभी कभार यूं भी मांग लेना चाहिए कि दे दो जन अल्लाह दे दो हर जगह जो है ये ऊपर ही क्यों उठते हैं इसलिए कि इन हाथों को भरने वाला जो लोग कब्र वालों से मांगते हैं जो लोग कब्र वालों से